हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान और मैं हूं साकिबुल इस्लाम। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से शुमाल कोरिया पर सख्त तरीन दबाव का और अफगान तालिबान का अहम तरीन जरिया आमदन अमरीकी फौज के निशाने पर। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगानिस्तान में अफ्यून की पैदावार में कमी के लिए ज़ाफ़रान का सहारा। कराची में जीना औरतों के लिए कितना मुश्किल है, औरतें डेयर नहीं कर रही भारत में। खाया जाता है सेंटा क्लॉस बनना। I have been Santa this Christmas 65 year। शमाली कोरिया के जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने इंतहाई सख्त इकदामात का आगाज किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज शिमाली कोरिया को एक बार फिर दहशतगर्द रियासत करार देने का फैसला किया, जबकि उसके खिलाफ आज मजीद इक्तिसादी पाबंदियों का ऐलान भी मुतवक्को है। अमान अजहर इस वक्त हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। अमान, जो नए इकदामात अब सदर कर रहे हैं उनकी क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये पहली बार है दहशतगर्दी की पुष्पनाई करने वाले मालिक के अंदर, ये चौथा मुल्क है जिसको शामिल किया गया है। इससे पहले सूडान, ईरान और सीरिया, वो तीनों मालिक हैं जो इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। हाल ही में सदर ट्रंप की जानिब से जो दौरा एशिया था जो 12 रोज़ जारी रहा, उसके बाद ये पहला बड़ा फैसला है जिसमें शुमाली कोरिया के हवाले से कॉम्प्रिहेंसिवली गुफ्तगू की गई। इसमें माहिरीन वाशिंगटन में जो अपने खदशात जाहिर कर रहे हैं, उसमें एक तो ये है कि जहां एक जानब इसमें जो एग्जिस्टिंग पाबंदियां हैं, एक इक्तसादी पाबंदी बनाने में इस इकदाम से मदद मिलेगी, वहीं इसी के बायस शायद जो जौहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से प्योंगयांग और वाशिंगटन के दरमियान जारी तनाज़ा है, उसमें शिद्दत भी आ सकती है। याद रहे कि पीर ही को जनूबी कोरिया के खुफिया इदारों की जानिब से ऐसी गैर मुसद्दिका इत्तला सामने आई थी जिनमें कहा गया कि शुमाली कोरिया इस साल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मजीद तजुर्बात करने का इरादा रखता है। तो इन्हीं मामलों पर पहले एक रिपोर्ट दें। शुमाली कोरिया 20 साल कबल अमरीका की दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाली रियासतों की फहरिस्त में शामिल था, लेकिन सन 2008 में साबिक सदर जॉर्ज बुश ने जजीरानुमा कोरिया को एटमी हथियारों से पाक करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर शुमाली कोरिया को इस फहरिस्त से निकाल दिया था। ताहम अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन के मुताबिक इस हिकमत अमली ने काम नहीं किया। अपने मुल्क से बाहर कत्ल के मंसूबों समेत जो इकदाम उन्होंने किए, जैसे ममनुआ केमिकल हथियारों का, इंतहाई संजीदा इकदाम हैं क्योंकि इनके बायस आवाम को भी खतरात लाहक हो सकते हैं। टिलरसन ने खुसूसी तौर पर किम जोंग उन के भाई के कत्ल का हवाला दिया, जिन्हें दो खवातीन ने फरवरी में मलाइशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया था। लेकिन पीर को काबिना के साथ मुलाकात में सदर ट्रंप ने शुमाली कोरिया में लंबी मुद्दत के लिए कैद रहने वाले उस अमरीकी तालिब इल्म का जिक्र किया जिसे कोमे की हालत में अमरीका लौटाया गया था। अमरीका वापस आने के 6 दिन बाद उसकी मौत वाकई हो गई थी। आज इन इकदामात को अमली जामा पहनाते हुए हमारे अकमाल नौजवान ऑटोवंबियर समेत उन तमाम अफराद के साथ है जो शुमाली कोरिया के जालिमाना जब्र का शिकार हुए। सेक्रेटरी टिलरसन का कहना था कि शुमाली कोरिया को दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाली रियासत करार देने से उससे लेन देन करने वाले ममालिक मुतासिर होंगे, क्योंकि इसमें उन हदूद का तायुन किया गया है जो इक्तसादी पाबंदियों में शामिल नहीं। लेकिन उनका कहना था कि बहुत से ममालिक शुमाली कोरिया को पाबंद करने की कोशिशों का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे दौरा वियतनाम के दौरान उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो शुमाली कोरिया के साथ लेन देन में मजीद कमी करेंगे। मलेशिया ने ताल्लुकात में कमी का इशारा दिया। सिंगापुर ने शुमाली कोरिया से हर तरफ खत्म कर दी है। फिलिपाइन ने भी तमाम तजारत बंद कर दी है और हाल ही में डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अफ्रीका गए थे जहाँ उन्होंने सूडानी हुकूमत से मुलाकात की जो शुमाली कोरिया के हथियारों की रवायती खरीदार हैं। उन्होंने भी ऐसे तमाम खरीदो फरोख्त बंद किया है। रेक्स टिलरसन अलबत्ता ये नहीं बता सके कि क्या चीन ने शुमाली कोरिया भेजे जाने वाले ईंधन पर पाबंदी लगाने के लिए मौसर इकदाम किए हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि शुमाली कोरिया में पेट्रोल के हसूल के लिए लंबी कतारें ईंधन की शदीद कमी की अलामत है। उनका मजीद कहना था कि अमरीका अपने मिशन पर कारबंद है जिससे शुमाली कोरिया को अपना रास्ता तब्दील करना होना पड़ेगा ताकि वो दीगर ममालिक से इक्तिसादी राब्तों का मुतहम्मिल हो सके जिससे उसके शहरियों को फायदा होगा।
जी, शुमाली कोरिया को दहशतगर्दी की पुष्पराही करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने के फैसले के बाद बैन अल-अक़वामी रद्दअमल भी सामने आया है। के वजीर आजम शिंजो आबे की जानब से इसे खुशाइन करार दिया गया है इस फैसले को। उन्होंने कहा कि इससे शुमाली कोरिया पर मजीद दबाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम मैलकम टर्नबुल ने भी इस इकदाम की हमायत की और कहा कि इससे बैन अल-अक़वामी बरादरी के रिजॉल्व का पता लगता है कि वो शुमाली कोरिया पर मजीद दिनों के हवाले से पाबंदी बढ़ाना चाहते हैं। जबकि चीन की जानिब से कहा गया है कि बीजिंग की ख्वाहिश है कि तमाम फरीकैन इस तनाज़े की शिद्दत में कमी करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर जल्दी वापस आएँ। जी अमान अज़र हमारे साथ थे कैपिटल हिल से, थैंक यू अमान। और अफगान फौज नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर मशरकी अफगानिस्तान में दाइश के अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन है, लेकिन कई इलाकों की रोजमर्रा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब अमरीका की जानिब से फंड की जाने वाली मुकामी पुलिस फोर्स के हवाले कर दी गई है, जो मुतनाज़ भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम ने डिस्ट्रिक्ट आचिन में इस फोर्स के साथ कुछ वक्त गुजारा, उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं वर्दा खलील। अपने लंबे बालों और लिबास से हो सकता है कि ये अफराद देखने वालों को अस्करियत पसंद लगें, लेकिन दरअसल ये अफगान लोकल पुलिस में काम करने वाले देहाती हैं। मशरकी अफगानिस्तान के अचिन डिस्ट्रिक्ट के ये लोग दाइश के अस्करियत पसंदों की जानिब से हमले की सूरत में पहला दिफा होते हैं। ये फोर्स इसलिए इतनी मौसर है क्योंकि उनके लिए दाइश के हमलों का सबसे पहले निशाना बनने वालों में से थे। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी जमीनों और प्यारों की हिफाजत के लिए भी लड़ रहे हैं। अफगान लोकल पुलिस या ALP को 2010 में अमेरिका की मदद से कायम किया गया। इसका मकसद मकामी अफराद को उनके इलाकों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी में शामिल करना था, खास तौर पर उन इलाकों में जहां हुकूमती सिक्योरिटी कमजोर थी। हमने अपनी औरतों और बाजत के लिए असला उठाया है। हम ये पैसों या तनख्वाह के लिए नहीं कर रहे। 100 से $150 जो हमें हर माह दिए जाते हैं ये कुछ भी नहीं है। इतने पैसे हम कुछ और काम करके भी कमा सकते हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्स अफगानिस्तान के 34 में से 31 सूबों में काम कर रही है और मुल्की सिक्योरिटी का अहम हिस्सा बन चुकी है। जहां अचिन के रिहायशी APL से खुश हैं, वहीं कहीं इलाकों में इन पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, ताकत के बेजा इस्तेमाल और जागीरदाराना निजाम को मजबूत करने का इल्जाम है। अफगानिस्तान के खुद मुख्तार ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक ALP में अक्सर भर्तियां कानून के तहत नहीं की जाती। कुछ इलाकों में जुराइम पेशा अफराद, अस्करियत पसंद, हत्ता के तालिबान भी इस फोर्स का हिस्सा बनने में कामयाब हो गए हैं। अमेरिका इस फोर्स के लिए मुस्तकबिल में की जाने वाली फंडिंग को इस्लाहात के बाद जारी करेगा। अफगान हुकूमत इस हवाले से इकदाम उठा चुकी है, लेकिन इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक अभी मजीद इकदाम की जरूरत है। आयशा तंजीम के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। अफगानिस्तान में अफ्यून की पैदावार पिछले साल के मुकाबले में इस साल दुगनी हुई, जबकि पोस्त की काश्त के लिए इस्तेमाल होने वाले रकबे में 63% इजाफा हुआ है। मनशियात की तजारत तालिबान के लिए रकम जमा करने का सबसे बड़ा जरिया है और उसके खिलाफ अब अमरीका ने पहली बार फौजी कार्रवाई का आगाज किया है। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हेलमंद में मनशियात की तनसीबात पर हमलों के बारे में मीडिया को आगाह करते हुए वहां अमरीकी फौज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने बताया कि जंगजू पोस्त की काश्त और अफ्यून से सालाना $30 करोड़ हासिल करते हैं। अमेरिका की अफगान पॉलिसी के तहत पिछले 90 दिनों के दौरान मुझे मिलने वाले नए अहकाम के मुताबिक हमने फौरी तौर पर टारगेट्स का तयन करना शुरू किया। सिलसिले में हमने पूरी एहतियात से काम लिया कि उन तनसीबात को निशाना बनाया जाए जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श हैं। हम किसानों को निशाना नहीं बना रहे बल्कि इन्हें मुजरिम जहन तालिबान ने उनके खानदानों पर तशद्दुद के खौफ के जरिए यरगमाल बना रखा है। माजी में अफगानिस्तान में मौजूद फोर्सेस पर बढ़ती रही है कि वो मनशियात की पैदावार के खिलाफ खातिरखा इकदामात नहीं कर रही। दूसरी जानिब पोस्त काश्त करने वालों को मुतबादल जरिए आमदन फराहम करने के लिए अब एक और कीमती फसल का सहारा लिया जा रहा है, जो है जाफरान। जामी रंग के फूल जहाँ दुनिया के महंगे तरीन मसाले का सर चश्मा है, वही अफगान किसानों के लिए अफ्यून की काश्त से दूर होने के एक नए मौके की नुमाइंदगी भी करते हैं। ये गैर कानूनी नशा आवर काश्त अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है और के प्रोग्राम्स और मगरबी अतियात इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जाफरान जो कि मगरबी मंडी में तकरीबन 1,60,000 रुपए फी किलोग्राम का बिकता है, यकीनन एक पुरकशिश नेमुल बदल है। जाफरान की काश्त कानूनी तौर पर जायज है और फिर अफ्यून के मुकाबले में मुनाफा भी ज्यादा है, तो ये बेहतरीन काश्त है। तो वो किसान जो अब भी अफ्यून उगा रहे हैं उनको यही पैगाम है, किस्त को अल्लाह और अवाम दोनों ने मुस्तरद किया है।
زعفران کی کاشت ہرات میں سینکڑوں خواتین کو ملازمت کے مواقع فراہم کر رہی ہے اور تحصیل کاروخ میں درجنوں خواتین یہ اودے پھول اگا رہی ہیں. جہاں ہم کماتے ہیں اس سے ہم اپنے خاندان کی نہ صرف کفالت کرتے اور اپنی ضروریات پورا کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں مثبت کردار بھی ادا کرتے ہیں. مقامی زعفران کی صنعت نہ صرف فروغ پا رہی ہے بلکہ معیار آنے والے ایرانی زعفران کے مقابلے میں اپنی پہچان بھی منوا رہی ہے. اس وقت افغانستان میں تقریباً 7,500 ایکڑ زعفران کے زیر کاشت ہے جو 8 ٹن سے زیادہ یہ قیمتی مسالہ پیدا کرے گی. فیت لیپیڈس کے ساتھ سبا شاہ خان، اردو وی او اے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت اور علیحدگی پسند گروہوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صوبے میں میڈیا کو آزادی سے کام کرنے دیں. بلوچستان میں صحافیوں کو درپیش رکاوٹوں پر رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر، جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے. اور کراچی خواتین کے لیے کیسا شہر رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے شو میں آگے چل کر، اور دنیا بھر کے کچھ لذیذ ذائقے بھی شامل ہیں آج کے پروگرام میں. لیکن پہلے دیکھتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے روس میں شام کے صدر بشار الاسد سے شام کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر بات کی ہے. صدر پیوٹن اس ملاقات کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ اور قطری امیر سے بھی رابطہ کریں گے. اس کے علاوہ روس نے شام کے ایشو پر ایران اور ترکی سے بھی بات چیت کا ارادہ ظاہر کیا ہے. نائجیریا میں خودکش حملہ آور نے ایک مسجد پر حملہ کر کے 50 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. یہ کو بوکو حرام سے خالی کروانے کے بعد حالیہ سال کا سب سے بڑا حملہ ہے. پولیس کے مطابق مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے. زمبابوے کے پارلیمنٹ کے اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے جس میں صدر مگابے کے مواخذے کی قرارداد پیش کیے جانے کا امکان ہے. مواخذے کا یہ اعلان عمر رسیدہ صدر مگابے کے استعفی دینے کے مطالبے کو نہ ماننے کے بعد سامنے آیا ہے. لبنان کی فوج کے سربراہ نے فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے بارڈر پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہے. اسرائیل کے فوجی حکام نے لبنان کے اس اقدام کو بے وقوفی قرار دیا ہے. اور امریکی معاشرے میں تارکین وطن کا بہت اہم کردار ہے. وہ نہ صرف اپنی محنت بلکہ اپنے منفرد ثقافتی ورثے سے اس ملک کو پرکشش بھی بناتے ہیں. بالکل، اور اس کی ایک مثال ہے امریکی ریاست اوہائیو کا دارالحکومت کولمبس، جہاں دنیا کے کئی ملکوں سے تعلق رکھنے والوں نے ریسٹورنٹس کھولے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مقامی آبادی ان نئے ذائقوں کو کتنا پسند کر رہی ہے. صرف ایک کاؤنٹر اور دو چھوٹی چھوٹی میزوں پر مشتمل مومو گھر نام کا یہ ریسٹورنٹ ایک انٹرنیٹ دکان میں واقع ہے. تاہم پچھلے ہی سال کھلنے والا تبتی اور نیپالی کھانوں کا یہ ریسٹورنٹ عوامی جائزے شائع کرنے والی امریکی ویب سائٹ یلپ کے مطابق کولمبس کا بہترین ریسٹورنٹ بن چکا ہے. مومو ڈمپلنگ کا نام ہے. ہم روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ڈمپلنگز بناتے ہیں کیونکہ کسٹمرز کی طرف سے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. نیپال سے تعلق رکھنے والی فنسو لاما مومو گھر کی مالک بھی. مومو کو نیپال کا قومی پکوان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ مقبول ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو کولمبس میں بھی متعارف کراؤں. فنسو لاما بالکل درست ہے کیونکہ ان کی سگنیچر ڈش جھول مومو اور دوسری ڈمپلنگز نے انہیں ونڈی نوبل جیسے وفادار کسٹمرز دیے ہیں. یہ ڈمپلنگز بہت خوش ذائقہ اور سستے ہیں کیونکہ یہ کھانا کم قیمت ہے، اس لیے ہم یہاں آتے رہتے ہیں. ایک حالیہ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کولمبس کی آبادی کا 9% مہاجرین پر مشتمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں روایتی کھانوں کا کاروبار ترقی کر رہا ہے. ہماری ویب سائٹ پر 40 سے زیادہ قومیتوں کے روایتی ریسٹورانٹس موجود ہیں، اور ہم اکثر مزید کا اضافہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں حال ہی میں ایک سوڈانی فوڈ مارکیٹ کے بارے میں پتہ چلا. آپ اس شہر میں رہتے ہوئے ان تمام کھانوں کا لطف رکھتے ہیں. بیتھیا وولف ایک فوڈ بلاگر ہیں جنہوں نے 2010 میں کولمبس فوڈ ایڈونچر نامی ویب سائٹ لانچ کی تھی. اس ویب سائٹ کے ذریعے وہ لوگوں کو ان روایتی کھانوں کے ریسٹورینٹ سے متعارف کرواتی ہیں جن کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں. ہم اپنے کلائنٹس کو انڈین، نائجیرین اور سومالی ریسٹورینٹس لے جاتے ہیں، اور پھر انہیں وہاں دستیاب کھانوں کے بارے میں بھی کچھ معلومات دیتا ہے. روایتی کھانوں کا یہ ٹور مقامی باشندوں اور سیاحوں دونوں میں ہی مقبول ہے. میں کیلیفورنیا
ये टूर नए खानों के तजर्बे और नए लोगों से मिलने का एक जबरदस्त तरीका है। मुहाजरीन की बड़ी तादाद में आमद ने इस शहर के वीरान शॉपिंग सेंटर्स को भी पुरौनक बना दिया है, क्योंकि अब यहाँ दुकानें और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। रियासत ओहायो के मरकज में 1.5 से 2 लाख मुहाजरीन आबाद हैं, जो मकामी और स्टेट टैक्स मिलाकर 34 करोड़ डॉलर टैक्स भरते हैं। फुनसुलामा अपना कारोबार बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। मेरे पास इस वक्त 14-15 मुलाजिम हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि हम 4 हफ्तों में एक नई जगह पर दूसरा रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। वो खुश हैं कि जो जायके वो अपने आबाई वतन से लाई हैं, उन्हें इस नए वतन ने खुशी से कबूल किया है। कैरल पियर्सन के साथ सहर माजिद, उर्दू वीओए। अब्बा जैसे करोड़ों लोग हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान, एजुकेशन या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लेते हैं। We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। View 360, सिर्फ आज न्यूज पर। हाल ही में जब दुनिया के 19 मेगा सिटीज के सर्वे ने यह नतीजा पेश किया कि कराची खवातीन के लिए बदतरीन बड़े शहरों में से एक है, तो ये सवाल भी पैदा हुआ कि क्या रोशनियों का यह शहर हर औरत के लिए एक सा ही है? जवाब तलाश करने की कोशिश की है मोहम्मद साकिब ने। बैन अल-अक़वामी तंजीम थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में कराची को खवातीन के लिए दुनिया के 19 बड़े शहरों में दूसरे नंबर खतरनाक तरीन शहर करार दिया गया है। ये दर्जा बंदी दुनिया के बड़े शहरों में सकाफती और मौशी सरगर्मियों, सेहत की सहूलतों की फरहमी और खवातीन को हिरासा करने के वाकयात की बुनियाद पर की गई है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल कराची में खवातीन के कत्ल के 25, जिंसी तशद्दुद और घरेलू तशद्दुद के 3-3 और अगवा का 1 वाकया रिपोर्ट हुआ। खवातीन और बच्चों के हुकूक पर काम करने वाले माहिर कानून जिया एडवोकेट के मुताबिक कराची में खवातीन को हिरासा करने के वाकयात समेत कई मसाइल का सामना है, लेकिन कवानीन और इदारों की मौजूदगी के बावजूद ये चीजें दबी रहती हैं। औरतें डेयर नहीं कर रही बाहर आते हुए, जो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं और पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे फ्यूडलिज्म ट्राइबलिज्म अपनी हद छू रहा हो, औरत का राइट तो नजर ही नहीं आता कहीं ना। जामिया कराची के विमेन स्टडीज सेंटर में तहकीक और तदरीस से वाबस्ता प्रोफेसर्स का कहना है कि कराची में खवातीन को जहां मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, वहीं बहुत से नए मौके भी पैदा हुए हैं। आपको ऐसे केसेस ऑब्वियसली नजर आते भी हैं जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, कहूँगी कि जब इसके ऊपर लॉज बन गए, जैसे इसमें जो है वो लॉज आपको नजर आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें तो हुई हैं, हो रही हैं। खवातीन जब बाहर निकलती हैं, जाहिर बात है उन्हें कुछ कभी सोशल प्रेशर्स या इश्यूज, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस ये भी फेस करनी पड़ती हैं। अब ये है कि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, डिपेंड करता है इस चीज़ पे भी। कराची में बहुत से कल्चरल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक कराची में 76,10,000 से जायद खवातीन मुकीम हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के रिवायती तौर पर कदामशे में खवातीन से मुतालिक सोच तब्दील तो हो रही है, लेकिन तालीम और मौकों की बुनियाद पर सिन्फी बराबरी पैदा करने और इसे समाजी कबूलियत हासिल करने में अभी वक्त लगेगा। मोहम्मद साकिब, उर्दू वीओए, कराची। सारा साल का वक्त आ गया,
कि तो क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं और ये त्यौहार सेंटा क्लॉस के बगैर तो बिल्कुल ही अधूरा है। तो आज एजुकेशन सेगमेंट में हम आपको लेके जा रहे हैं अमेरिकी रियासत मिशिगन के एक बहुत ही मुनफरिद स्कूल में, जहां सेंटा की तरबियत की जाती है ताकि बच्चों की क्रिसमस की खुशी में कोई कमी न रह जाए। नवंबर का महीना है, लेकिन CW हार्वर्ड सेंटा स्कूल में 250 से ज्यादा सेंटास अभी से क्रिसमस का माहौल पैदा कर रहे हैं। चार्ली डब्ल्यू हार्वर्ड, जो 17 साल तक मशहूर अमरीकी स्टोर मेसीज के थैंक्स गिविंग डे त्यौहार परेड के लिए सेंटा क्लॉस बने, वही चार्ली जो एक क्लासिक क्रिसमस मूवी मिरेकल ऑन 34th स्ट्रीट के कंसल्टेंट थे, उन्होंने 1937 में इस स्कूल का आगाज किया। उस वक्त अच्छे सेंटास की शदीद जरूरत थी। सेंटा वो तस्वीर कशी नहीं कर रहे थे जो हम चाहते थे। सेंटा क्लॉज तमाम अच्छी चीजों की अलामत है और कुछ लोग इसे सही मानों में पेश नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के सेंटा को ऐसे किसी मसले का सामना नहीं, वो कई दीगर वजूहात की वजह से इस स्कूल में जाते हैं, जैसा कि सेंटा साइन लैंग्वेज सीखने, सेंटा के हिरन रेंडियर से मुतालिक हकायक जानने और लिबास पहनने और मेकअप सीखने के लिए, वो बच्चरीन ख्वाहिशात की फहरिस्त में शामिल खिलौनों से मुतालिक जानने और रेडियो और टीवी पर इंटरव्यू देने का तजर्बा हासिल करते हैं। रॉबर्ट डेविस 30 साल तक सेंटा बनते रहे हैं, वो कई मर्तबा स्कूल में गए हैं। आप अपने काम में कितनी अच्छे क्यों ना हो, आप और भी बेहतर कर सकते हैं। 50 लोगों के साथ खुलते मिलते हैं और वही काम पसंद करते हैं जैसा आप करते हैं। आप हर साल कुछ नया कर सकते हैं। जानता कि अब तक स्कूल से कितने सेंटास ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन एक मुहतात अंदाजा तकरीबन 15,000 का है। उस वक्त यहाँ शिमाली और जनूबी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से तालबिल माते थे। इस साल न सिर्फ 50 रियासतों से यहाँ सेंटास, बल्कि कनाडा से 20, डेनमार्क से 3, न्यूजीलैंड से 1 और नॉर्वे से भी 1 तालबिल माया है। ये ओस्लो का सेंटा है, ये इस स्कूल में इसकी 8वीं मरतबा है। सेंटास कभी ये दावा नहीं करते कि वही वाहिद और हकीकी सेंटा है, बल्कि वो सब क्रिसमस की असल मकसद की नुमाइंदगी करते हैं। क्रिसमस वाली रात को स्कूल में सेंटा वॉक के दौरान वो बच्चों को ये बताते हैं कि वो सेंटा के कजन्स हैं। बस वो ये कहते हैं कि वो बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेंटा क्लॉस स्कूल के बानी होने की हैसियत से चार्ली हार्वर्ड अक्सर कहा करते थे कि वो समझते थे कि सेंटा कमरे की चिमनी के रास्ते अंदर आता है, जबकि सच तो ये है कि सेंटा दिलों के रास्ते हम तक पहुंचता है। एरिका सेलेस्ट की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। और यकीनन सेंटा बहुत से बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आएगा, और इन्हीं में से गुर्बत का शिकार महरूम बच्चों और उनके खानदानों का पेट भरने के लिए इन दिनों अमरीका के बहुत से शहरों में डब्बा बंद खुराक जमा करने की कैंपेन्स जारी हैं, और उन्हीं में से एक अनोखी मुहिम है कैंस्ट्रक्शन, जो चैरिटी और डिजाइन का खूबसूरत मिलाप है। कैंस्ट्रक्शन दरअसल एक मुकाबला है जिसमें आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की टीमें खाने के डिब्बों को तरह तरह की शक्लों में तरतीब देती हैं, और इस साल 27 टीमों ने हिस्सा लिया और खाने के 80,000 कैन से अपने मास्टरपीस तैयार किए। इन्हें बनाने में किसी किस्म की ग्लू इस्तेमाल नहीं हुई। पिछले 25 सालों में इस मुकाबले के जरिए तकरीबन 22,000 टन खुराक जमा की जा चुकी है फैमिलीज के लिए पूरे अमेरिका में। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत डिजाइन उन्होंने बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। View 360 में शामिल रिपोर्ट्स दोस्तों से शेयर करने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर। सारा कबीर इस्लाम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।